मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआ टांड में हुए गोलीकांड घटना में संलिप्त एक अपराधी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने पपरवा टांड स्थित न्यू समाहरणालय पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो महुआ टांड निवासी जलंधर महतो को 15 फरवरी को लगभग 2 बजे के आसपास हथियार से लैस 2 बाइक सवार अपराधियों द्वारा गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया था। गोली लगने के बाद जलंधर महतो बुरी तरह से घायल हो गया, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। SDPO ने बताया कि घटना के बाद जलंधर महतो द्वारा आवेदन देने के बाद मुफस्सिल थाना की ओर से एक संयुक्त छापेमारी टीम गठित की गई। छापेमारी टीम द्वारा मुफस्सिल, बिरनी, बेंगाबाद, रांची, कोलकाता एवं अन्य क्षेत्रों में गहन छापेमारी की गई। छापेमारी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल जितेंद्र दास पिता स्वर्गीय तुलसी दास को मुफस्सिल थाना के अगदोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना के लिए उपयोग में लाए गए मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया है। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था, इस बात को अपराधी ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने जानकारी दी कि अपराधी जितेंद्र दास मुफस्सिल थाना हजारीबाग सदर में भी मर्डर, चोरी समेत कई मामलों में नामजद है। बताया गया कि इसमें संलिप्त अन्य अपराधियों को भी पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, महिला इंस्पेक्टर मनीषा समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 2022 को बजटो जो डेंगरी आहरी मोड़ है, वहाँ 2 बजे के करीब जलंधर महतो को 3 अज्ञात अपराधकारियों द्वारा 2 मोटरसाइकिल से आकर गोली मारी गई थी, जिसमें वह जख्मी हुए थे और उनका अभी वो इलाजरत है। अभी संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज कर इसमें त्वरित अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इसमें एक टीम बनाकर विभिन्न लोकेशन में छापेमारी की गई, बेंगाबाद में, मुफस्सिल क्षेत्र में, बिरनी में, कलकत्ता भी पुलिस टीम में गई हुई है। तो इसी दौरान इसमें संलिप्त 5 व्यक्तियों के बारे में पता चला है, जिसमें एक व्यक्ति जितेंद्र दास पिता तुलसी दास अगदोनी कला का है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने इस कांड में संलिप्त स्वीकार किया है। उसके पास से इस कांड में जो मोबाइल प्रयुक्त किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। और ये जो है जितेंद्र दास, ये पूर्व से भी अपराधी रहे हैं, मर्डर के केस में, चोरी के केस में जेल जा चुके हैं और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी है। तो पुलिस टीम लगातार प्रयास जारी है, वे भी जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे। गोली चलाने का कारण क्या था? हाँ, ये जमीनी विवाद है और आपसी दुश्मनी को लेकर के, जो प्री एग्जिस्टिंग इनमिटी थी उसको लेकर के गोली चली है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होगी सर? सभी लोग गिरफ्तार कर दिए जाएंगे, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।